हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मुल्तानी मिट्टी के प्रयोग के बारे में। इसे कैसे प्रयोग करते हैं और हमें कितना टाइम लगाना चाहिए, एक दिन में कितने बार लगाना चाहिए और इसे हमें कितने दिन लगाने के बाद हमारे चेहरे या बालों पे निखार आना शुरू हो जाए, इसके बारे में भी बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है महेश जी वाटिका मुल्तानी मिट्टी, जो कि बहुत अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट वाला है। मैंने लिया है इसे, यह मिलता है 20 रुपये पैकेट और इसका प्रयोग विधि भी हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही गुणकारी है। इसको आप बाल में भी लगा सकते हैं मुल्तानी मिट्टी को, और चेहरे में भी लगा सकते हैं। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को आप इसे ऐसे खोल लीजिए, इसको ऐसे खोल लीजिए। ये रहा मुल्तानी मिट्टी, ये बहुत ही पिसा है, मस्त है। ये 20 रुपये मिलता है मुल्तानी मिट्टी। उसके बाद इसको यहाँ पर रख दीजिए मुल्तानी मिट्टी को। उसके बाद आप यहाँ बस पानी ला लीजिए, जो कि एक कटोरी में होना चाहिए। ये नाम मात्र, इसे कम रूप में मिलाना है पानी। उसके बाद गुलाब जल को मिलाना है हमें, जितना आपको प्रयोग मिलाना है उतना ही मिलाएं, ज़्यादा ना मिलाएं। इसके बाद इसको रख दीजिए यहाँ पर। और हम लेंगे और डाबर गुलाब जल भी लेंगे, जितना आपका ये मुल्तानी मिट्टी पाउडर इसमें ना थोड़ा डाल दीजिए। मुल्तानी मिट्टी को अच्छे से हाथ में मिला लीजिए। उसके बाद आप अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं, अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे कम से कम सूखने के बाद इसे धो दीजिए, ज़्यादा टाइम तक ना रखें इसे। और 4-5 दिन के बाद ही आपका चेहरा सुंदर बेदाग दिखने लग जाएगा। मुल्तानी मिट्टी का फ़ायदा है ये। और आपको थोड़ा भी वीडियो मेरा पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। और ये मुल्तानी मिट्टी को आप रोज़ाना लगा सकते हैं, इसका कोई भी इसका नियम नहीं है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब।